বল নিচে ঢুকে নামাই দিব ঠিক আছে রাখতে ওইটাতে আপনাদেরকে সফারি করাবে আমরা এটা দার্জিলিং এর রুটটা যাচ্ছি না এটা জেট টু কালিম্পং আচ্ছা এটা সিকিম কালিম্পং এর এটা এটা স্টেন দার্জিলিং যাওয়ার রাস্তাটা এরকম দুই সাইডে ফরেস্ট দেখেছিলাম একবার হ্যাঁ ওখানেও আছে দার্জিলিং সেবা করে যাওয়া যায় হ্যাঁ মহানন্দ বিশাল বড় কিন্তু ফরেস্টটা একদম টাচ এইদিকে ডুয়ার্স টাচ আছে তো যেরকম দার্জিলিং আপনারা যাবেন যে ফরেস্ট পাবেন না এটাই ফরেস্ট খোলা হ্যাঁ এইদিকে আবার খোলা কদিন পরে এখন যদি জাম টাম না পাই তাহলে ধরেন না চার ঘন্টা তো এমনি লাগে এখন জাম টাম দিয়ে পাঁচ শিলিগুড়ি থেকে যেতে চার ঘন্টা লাগে সাড়ে চার ঘন্টা मैंने पहले जो ब्लॉग छोड़ा उसमें बोला था हम लोग सिक्किम जाएंगे आज तो कैसे जा रही है आप लोग के साथ वो आज हम शेयर करेंगे तो हम लोग जिस कार पे जा रही है और A3 है 1500 रुपीज़ रेंट लिया इस पे इसमें और ड्राइवर साहब भी बहुत अच्छा है वो बहुत दादा बहुत अच्छा है हमारी हस्बैंड के साथ बातचीत कर रही है तो हम लोग एक फैमिली की तरह हो गए हैं कुछ टाइम के लिए तो हाँ सिक्किम गंगटोक शहर में जाने में हम लोग को साढ़े चार घंटा लग जाएगा तो हम लोग जल्दी जल्दी निकल पड़े तो सुबह का कुछ नाश्ता हम लोग नहीं कर पाए तो यह हाँ हम लोग सोच रहे कुछ रास्ते के साइड पे रोड साइड पे अगर कुछ खाने का मिलेगा तो हम लोग खा लेंगे तो यह एक एक क्या बोलते कॉर्न मिल रही है हम लोग वो कॉर्न खाएंगे तो हम लोग इसको बंगाली में भुट्टा बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं तो हम लोग यही खाएंगे और जाते जाते खाते खाते नेचर देखेंगे तो अच्छा लगेगा দুটো হয়েছে হ্যাঁ হয়নি তো রানিং মে দই হওয়া হাম লোক সোচা আর দো লেঙ্গে পর জলদি মে দো লিয়া তো হাম লোক 50-50 খা রই হ্যাঁ অভি
और हम नेचर देखने देखने जा रही है। अच्छा भी लगा लग रही है और बारिश हो रही है। बारिश के मौसम में ये कॉर्न खाने में अच्छा लगता है। तो और यहाँ का सब ऑर्गेनिक है तो और भी अच्छा टेस्ट है इसमें। तो हम यही खाते खाते जा रही है और साइट का और नेचर देखने में अच्छा लग रहा है बहुत। मैं ही है कोई घूमने जाती हूँ तो मुझे भरपूर इंजॉय करना है क्योंकि मेरा हस्बैंड बोलते तुम्हारा वो प्रॉब्लम होता है कार्ड में वोमिटिंग का, तुम थोड़ा सा रेस्ट ले लो, थोड़ा सा आग बुझा लो, थोड़ा सा सो जाते हो तो तुम्हारा तबीयत ठीक लगेगा। बट मैं ही नहीं सोता, मैं सारा रास्ता सारा रोड साइड का वो नेचर देखने में मुझे अच्छा लगता है। तो हम जाते जाते वो नेचर देख रही हूँ और वो ए कॉर्न खा रही हूँ। तो डर भी लग रहा है अगर उल्टी न उल्टी आए तो पूरा हालत हो जाता मेरा। तो इसी वजह से थोड़ा डर के हम खा रही है। और रास्ते पे एक है ये पहाड़ी इलाका है, देख रही हूँ अच्छा महसूस हो रहा है। एक अच्छा अलग सा दुनिया में आई है ऐसा फील हो रहा है। और साइड में वो अच्छा फॉरेस्ट है, वो पहाड़ी उली गुली रास्ता है। बैक मैंने चक्कर खाते खाते ऊपर नीच जा रही हूँ, ये मुझे देखने में अच्छा लग रही है। और साइड में वो कैसे रोड को कार साइड दे रहे हैं ये देखने में अच्छा लग रहा है। और साइड पे ये इतना बड़ा बड़ा ट्री वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। साइड पे मंदिर था तो मेरा हस्बैंड बोला कुछ दान दे के आओ। तो हम जल्दी जल्दी रनिंग में इस मंदिर को कुछ दान दे के हम लोग फिर से निकल पड़ी हूँ। तो अंदर नहीं जा पाए रोड में रनिंग में जो हुआ, तो कुछ दान दे के हम जा रही है। तो देख ही रही कितना सुंदर नज़ारा है। जो लोग समतल में रहते हैं, हम तो पहाड़ी इलाके में नहीं रहते हूँ तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है पहाड़ी इलाका। तो देख ही रही कितना अच्छा धुआ धुआ जैसे मन रहे मेघ के अंदर घुस गई हूँ ऐसा फील हो रहा है। तो हम लोग नेचर देखने देखने जा रही है और हमारी हस्बैंड और वो ड्राइवर साहब बहुत बातचीत कर रही है। वो उन लोग अच्छा स्टोरी हैं स्टार्ट कर दिया है, हम उन लोगों की स्टोरी सुन में और या ये नेचर देखते देखते जा रही हूँ। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मेरा हस्बैंड पहाड़ी इलाका में बहुत दिन जॉब की जॉब उन्होंने इधर जॉब किया था पहाड़ी इलाका में। वो टावर होता है ना, उन्होंने वो टावर की फाउंडेशन कर रही थी, उसका काम करता था पहले। तो उनको ये सब पहाड़ी इलाका नाम भी बहुत कुछ मालूम है, यहाँ का कौन सा एरिया का हम तो ये सब उन वो दोनों बातचीत कर रहे हैं। और हम तो आधा रास्ता आ गई कि बहुत तकलीफ हुआ, उल्टी भी हुआ रास्ते पे, हम आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि हमारी हस्बैंड डांटेंगे, बोलेगा आप तुम तो उल्टी कर रही हो, वो भी वीडियो करना लगेगा, आगे अपना हेल्थ का ख्याल रखो, फिर थोड़ा सा सो जाओ, रेस्ट लो, खाना खा लो कुछ। तो इसीलिए इस यहाँ एक मोमो का स्टॉल है तो हम यहाँ ए मोमो स्टॉल पे रुके कार। तो ये देख ही रही है, ये नीचे आई हूँ मैं सीढ़ी से। तो यहाँ थोड़ा सा टॉयलेट किया, फेश हुआ, फिर हम ऊपर जाएंगे और ये नेचर भी देख रही थोड़ा सा। तो हम अब ऊपर जाएंगे तो मेरी बेटी और हस्बैंड वो दोनों मोमो खा रही है तो हम वहाँ जाऊंगी। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ये मोमो का सूप खा लेती हूँ
अच्छा फील होगा। पर मोमो नहीं खाया क्योंकि डर लग रही है कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो रास्ते पे। और मोमो जस्ट चेक किया, ये यहाँ का मोमो बहुत अच्छा है होता है। सूप मैं थोड़ा सा खा रही हूँ। फिर हम लोग निकल पड़ी हूँ। तो मैंने तो जस्ट मोमो टेस्ट किया और सूप भी थोड़ा सा खाया। मेरा अंदर तबीयत खराब हो रही है, उल्टी आ रही है और बहुत बुरा फील हो रहा है मेरा। तो मैं हस्बैंड को नहीं बोल रही हूँ जो मेरा तबीयत खराब लग रही है, तो उन्होंने तो टेंशन करेंगे। तो उन्होंने बोला थोड़ा सा रेस्ट ले लो, थोड़ा सा रेस्ट ले लो। फिर ड्राइवर साहब ने मुझे मेरा तकलीफ देख के बोल रहे हैं आप सामने आ जाओ, थोड़ा सा यहाँ सो जाओ, यही बोल रहे हैं। तो मैंने सामने बैठी हुई, फिर भी उन्हें चेयर देखने जा रहे, सामने बैठी हुई तो एक वहाँ भी मेरा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है अंदर। अभी भी ऐसा फील हो रहा है जे मेरा उल्टी बहुत उल्टी हो रही है। कुछ ज़्यादा खाना नहीं है, खाया तो खाना कुछ निकल नहीं रहा है। तो हम आप लोगों के साथ इसीलिए उल्टी का शेयर नहीं किया, परंतु मेरा मैंने थोड़ा सा रेस्ट लेने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा आँख बुझाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये है खिड़की खोला रखा क्योंकि थोड़ा हवा आ जाए तो अच्छा फील होगा। किंतु इस हवा की वजह से मेरा यह तो मैं 2 घंटे बाद जब आना यह ठंडा शुरू हो गया और हमें तो गर्मी क्या कपड़ा लेना चाहिए, किंतु मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैंने ये हवा खा रही थी अगर कुछ रिलैक्स फील हो तो, इसीलिए थोड़ा सा जाके एक रोड साइड पे रुका एक साइड पे। तो वहाँ भी मैंने उल्टी किया और मुझे सबसे बुरा लगा और ड्राइवर साहब ने मेरा वोमिटिंग क्लीन किया, मेरा हस्बैंड मेरा वोमिटिंग क्लीन किया। मैंने आप लोग देखेंगे वो लोग कैसे मेरा वोमिटिंग क्लीन कर रही है। मुझे इतना बुरा फील होता है जब मेरा वोमिटिंग कोई क्लीन करता और अच्छा नहीं लगता। मुझे तब ऐसा फील होता जे दूर चलो, क्यों मैं घूमने आई हूँ। और मेरा हस्बैंड परेशान हो जाते हैं जब भी मैं कोई घूमने जाता हूँ। तो उन्होंने तो पहले भी एक बार आए थे, मैं उन्होंने पहले से ही मेरे लिए मेडिसिन सब कुछ रेडी करके रखते हैं। और প্রচন্ড মাথা ঘুরছে। देखी जाइए लोग कैसे मेरा वोमिटिंग क्लीन कर रही है। मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ रहा है इसी वजह से। तो फिर थोड़ा सा यहाँ रुका और थोड़ा सा रेस्ट लेके, मेरा तबीयत बहुत खराब लग रही है। मैं ऐसे सोचा जा पाओ कि नहीं पाओ। तो हम लोग आइए ये देखी जाइए, फिलहाल यही होटल पे रहूँगी, फिर नेक्स्ट होटल चेंज करूँगी क्योंकि यह व्यू नहीं अच्छा है। इसीलिए हम लोग नाइट पे यहाँ
रहेंगे। सुबह दूसरी साइड पे एक होटल है, वहाँ हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया, फिर আমরা এবার একটু সাইট মার্কেটগুলো ঘুরে আসব। কালকের প্রোগ্রাম আছে আমাদের, তো কালকে কোথায়, কালকে আমরা কোথায় যাব? লাল মার্কেট আর এমজি মার্কেট ঘুরতে যাব। এমজি মার্কেট কোথায়, এমজি মার্কেটে যাব যদি দেখি যে দাম, মানে এমজি মার্কেটে সবসময় দাম বেশি হয়, ব্র্যান্ডেড জিনিস পাওয়া যায়। আর আমি সেই মার্কেটে আমরা যাব, গিয়ে দেখব যে সেখানে সস্তায় কিছু পাওয়া যায় কিনা। আচ্ছা, দেখি গিয়ে মার্কেটটা একটু ঘুরে আসি।